ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯುಕ್ರೇನ್ ಅವ್ರು ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಟ್ಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಬಸಿ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ ಆಗಿದ್ದ ದಿನ ಅವ್ರ ಎಂಬಸಿ ಅವರು ಕೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಎಂಬಸಿ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಎಸ್ ಇದೆ, ಕೆನಡಾ ಇದೆ, ಮೆನಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ, ಲಿವಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಬಸಿ ಇದೆ. ठीक है, हम कैसे वहाँ से निकले हैं? अगर हम रोमानिया से लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते. इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार के सर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुँच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे. तो सर ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ? हम जहाँ से निकले सर हमारी सिटी में कंटिन्यूस ब्लास्ट हो रहे थे सर. अब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी, ना कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से ना हमारी एम्बेसी के तरफ से. जो हमने किया हमने खुद किया. हम लोगों ने ऐसे ही कुछ 10 लोगों की खुद से ग्रुप बनाई, हम लोगों इकट्ठा हुए और फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े और निकल गए. ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऐसे नहीं कि हम लोग हमारी सिटी से लेकर लिविव तक आने में लोकल पीपल ने हमारी मदद की, ऐसे नहीं कि हम लोग के साथ कुछ बुरा बर्ताव हुआ. हाँ, पोलैंड बॉर्डर पे हुआ कुछ लोगों के साथ, कुछ स्टूडेंट के साथ, ये ठीक है. इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पर अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता. जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटी को बोला कि यहाँ निकलने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है. इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करके आए? इस फूल लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं? इससे कुछ नहीं होने वाली है. अगर कुछ हो जाती हमारी फैमिली क्या करती? अगर हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो जाता वहाँ पे, हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले फिर उसके बाद कल होकर इवनिंग में वहाँ पे भी बमिंग शुरू हो गई. लेकिन उससे पहले हम लोग सही टाइम पे एक्शन लिए, हम लोग खुद सोचे यहाँ पे कोई. हाँ, फिर हमारे बाद लोगों को पता चला कि हाँ ये लोग निकल रहे हैं, तो फिर उसके बाद बाकी के बच्चे के लिए एक मतलब फ्री ये हो गया गाइडलाइन कि हाँ इस तरह से यहाँ पर आना है. फिर लोग आए आराम से, उन लोगों की को दिक्कत कम हुई, हम लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई. जो भी थे पता नहीं, मैं उनको नहीं जानता, ठीक है. वो उन लोग ले ले फूल बांट रहे, इसका मतलब क्या है? ये फूल अगर पहले बांटे रहते, अगर टाइम पर एक्शन लिए होते तो ये फूल बांटने की नौबत नहीं होती. ये सब जो दिखावा चल रहा है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है. हमने इससे पहले भी कहा था कि यूक्रेन में भारत से पढ़ने गए बच्चों के साथ क्या मामला पेश आ रहा है, किस तरह का सुलूक किया जा रहा है. आज भी हजारों बच्चे सिसक रहे हैं, बंकर में रहने पर मजबूर है, वालिदैन रो रहे हैं, किसी तरह अपने बच्चे घर से सलामत वापस लौटाए इसके इंतजार में है, पर हुकूमत अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आ रही. खुद वजीर आजम, भारत के 4 वजीर यूक्रेन में जाकर हजारों तलबाओं को भारत वापस लाने का ढिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है. अब तक 8,000 से भी ज्यादा बच्चे वापस लौटे हैं. अजीब मामला यह है कि भारत सरकार से तमाम नाराज है, इनसे जबरन मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इसे देखा भी जा रहा है. भारत लौटने पर इन्हें गुलाब का फूल देकर इस्तकबाल किया जा रहा है, जिस पर सख्त नाराजगी का इजहार करते कई तुलवाओं को देखा जा रहा है. मतलब किस कदर हर तरफ झूठ परोसने की कोशिश की जा रही है. हासिल इत्तला के मुताबिक भाजपा मोदी सरकार इसका सहरा अपने सर बांधने के लिए उतावली नजर आ रही है. स्मृति ईरानी मुल्क के तमाम मसलों पर कहीं पर भी नजर नहीं आई, पर यूक्रेन से लौट रहे तुलवाओं को जैसे मोदी सरकार ने ही लाया हो ऐसे इस्तकबाल के लिए खड़ी दिखाई दी, जिस पर तुलबाओं ने सख्त नाराजगी का इजहार किया. सभी जानते हैं कि भारत के हजारों तुलबा आज भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इन्हें रोमानिया पोलैंड सरहद तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना कर भारत लौटना पड़ रहा है. और तमाम तलबाओं ने इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि भारत की एम्बेसी बंद है, जबकि दिगर ममालिक की एम्बेसियां आज भी जारी है. आखिर भारत का ही इस तरह का रवैया क्यों? और एक बात यह भी देखी गई कि भारत के तुलबाओं को ट्रेन में तक दाखिल होने नहीं दिया जा रहा. किसी तरह रोमानिया पोलैंड की सरहदों पर भूखे पैसे लौटने के बाद इधर कुछ गोबर भक्त अजीब सवाल इन्हीं मजलूम तुलवाओं पर उठा रहे हैं कि यूक्रेन पढ़ने क्यों गए थे. अब अनपढ़ अंधभक्तों को कैसे समझाया जाए कि यूक्रेन में जो यूनिवर्सिटीज है दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज है और यहाँ पर जो सनद डिग्री हासिल की जाती है दुनिया भर में मंजूरी है. अब सबसे अहम वजह यह है कि भारत में रिश्वतखोरी के साथ डोनेशन और करोड़ों फीस अदा करनी होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए अदा करना मुमकिन नहीं होता. लिहाजा किसी तरह अपने बच्चों को MBBS के लिए यूक्रेन भेज दिया जाता है. रूस यूक्रेन
जैसे आप वजीर आजम के हुक्म के ताबेदार ही हो ऐसी खबरें गोदी मीडिया चलाती रहती है। यूक्रेन से लौटे तलबाओं ने भारत सरकार की महज बातें हैं, किसी तरह की मदद इनकी तरफ से न होने की बात हकीकत बनकर सामने आती। देख मोदी सरकार बौखलाई नजर आ रही है। इन्हें यह भी डर है कि यूक्रेन की नाराजगी कहीं यूपी चुनाव में नुकसान का सबब ना बने, इसलिए भाजपा का आईटी सेल और संघीय प्रचार तंत्र इसमें भी किसी तरह हिंदू मुस्लिम को घुसड़ने की कोशिश कर रहा है। अब तो मोदी सरकार के विरोध में खुलकर कई तुलबा बोलते नजर आ रहे हैं। जबरन मोदी जी के जय के नारे लगाने के लिए कहा जा रहा है, पर तुलबाओं की खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही है। आपने शुरुआत में ये वीडियो देखा होगा, यूक्रेन से लौटने वाले तुलबाओं को गुलाब का फूल देकर क्रेडिट हासिल करने की कोशिश तो जारी है, पर फूल के चक्कर में कुछ कांटे भी हाथ लग रहे हैं। ये मोदी हुकूमत भूल रही है, ऐसा अवाम की जानिब से कहा जा रहा है। लिहाजा तलबाओं में कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है, 85 से ज्यादा किलोमीटर चलते आने की कहानियां भी 12 बच्चों की जानिब से सुनाई जा रही है, और जब सरहद पार कर देते हैं इसके बाद कुछ काम रहता ही नहीं। लिहाजा तुलबाओं ने कहा कि अगर यहां से भारत सरकार हमें ना भी लाती तो हम अपने जाति किराए से भारत लौट सकते हैं। जरूरत हमें भारत सरकार की रोमानिया पोलैंड सरहद तक पहुंचने की थी, जो भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी कतई नहीं निभाई। आज शानबाग चैंबर में बॉडी स्टाइल रेडीमेड कपड़ों की दुकान की इफ्तिताह अमल में आई। एसीपी नारायण बर्मनी के हाथों इफ्तिताही इजलास अमल में आया। इस वक्त प्रदीप अष्टेकर भी मौजूद रहे, शहर की मारूफ शख्सियतों ने इस वक्त शिरकत फरमाई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आज दुकान रेडीमेड शॉप शुरू हुए, स्टिकर और बाबा जान कारपोरेट सब के साथ इंशाल्लाह अच्छा होने का आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस। जरूरत पड़ेगी मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोऑपरेशन देके करके दूँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो है ना ओपनिंग हुई है, तो इसका जो है ना उद्घाटन हमारे बर्मनी सर और अष्टेकर सर ने किया है। हमारी बेलगाम के पूरी यंग जनरेशन से ये हमारी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दुकान को विज़िट दें और जो है ना हमें कामयाब बनाएं।